सत श्री अकाल डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसी, मैं हाँ गुरचेत सिंह औलख। वड्डी खबर फिरोजपुर तो आ रही है जिथे 18 एकड़ पराली सड़ के सवाह हो गई है। तो वो प्लांट सी जिथे बिजली बनती सी पराली के उपर, तो अचानक अग लग जाती है। तो 18 एकड़ पराली का डंप सी जिन्हों अग लगती है तो सड़ के सवाह हो जाता है। तो लागे बचा रहा जड़िया कणक दिया फसलों पक्या हुई सी। इन्हां दिनों दे विच अक्सर देखने मिलता है किसानां दीआं फसलां सड़ के सवाह हो जांदीआं ने। छोटी छोटी जिहड़ी गलती आ उह भारी पै जांदी आ। अजिहा ही फिरोजपुर दे इलाके दे विच होया है जिथे एक प्लांट नूं प्लांट दे विच अग लग गई है। तो 18 एकड़ पराली सड़ के सवाह हो गई है। दस दईए कि फिरोजपुर इलाके दे फायर ब्रिगेड जिहड़ी उत्थे मौके ते पहुंची है। तो फिरोजपुर जिले के लागे लागे जिन्हें भी फायर ब्रिगेड दे ऑफिस से उन्हां तो दमकल विभाग के व्यापारी उत्थे गए ने, कार्यकारी उत्थे गए ने। उत्थे अग ते काबू पाया गया। 3 घंटे अग लगातार चलती रही है। 3 घंटिया तो बाद उत्थे अग ते काबू पाया गया है। तो दस दईए कि 18 एकड़ पराली का डंप सी जिन्हों अग लग गई है। तो पिंड के लोग भी उत्थे अग बचाउण दी कोशिश करते हैं। तो 3 घंटे तो बाद उत्थे काबू पाया जांदा है अग ते। तस्वीरां तुसीं देख रहे हो तो देखते हैं कि जिहड़े उत्थे दे निवासी ने इस बारे की कहिंदे ने। भाई जी, असीं दसना चाहुंदे आ वी साडा पिंड हकूम सिंह वाला, इत्थे इक कांग्रेसी MLA दी फैक्ट्री लगी हुई आ पराली वाली, उह तो बिजली बणाउंदा। उहदी अणगहिली दे नाल इत्थे कोई गली पराली साड़दे हुंदे सी, उह इन्हां ने साड़ी सूड़ी ते उहदे तो पासे अग लग गई आ। हुण इत्थे 35 किल्लिआं च कोई घट्टो घट्ट पराली पई आ, वह सारी पराली अग लग गई है। इन्हें तो पराली का इंश्योरेंस इन्हों रुपया रुपया मिल जाना। तो साडियां कणकां का कोई वाली वारस नहीं मिलता। इतने तहसीलदार साहब आए, उन्होंने असं आख्या भी कोई प्रबंध करो। वह आते फलाने फोन किया, दूजे फोन किया, कोई साड़ी इतने सुनवाई नहीं। अग लगी हो गई घट्टो घट्ट भी कोई 3 घंटे हो चले आ। तो हजे तक सरकारी एंबूलेंस एक आई है फायर ब्रिगेड, बाकी लोग आपके तौर पर प्रबंध कर रहे हैं। धुआं नेड़े नहीं होने दिता। तो साड़ी एक टक्के की किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। बहुत असी फोन ला रहे हैं, अखीर में आके साढ़े हाथ खड़े आ बैठे वेखी जाने। साड़िया फसलों चार सवेरे वह कोई वाली वारस नहीं बनता। इन्होंने तो इंश्योरेंस इन्हों की मिल जानी है। कृपा करके ये साड़ी पहले तो अग बुझाने की कोई सुनवाई की जाए। इस तो पहले असं पोल्यूशन बोर्ड में बहुत अर्जियां दे चुके हैं भी ये भाई ये पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, अगे कोई सेफ्टी भी नहीं कर रहे। साड़ी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। साड़ी हाथ बन के कैप्टन साहब नूं भी बेनती है भी इहदे बारे कोई सोचो। ये नहीं गल भी जो थोड़ा MLA तो तुसीं जो मर्जी कराई जाओ, साडी मेहनत है सरकार अगे सानू बचाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। भाई जी, असीं दसना चाहुंदे आ भी साडा पिंड हकूम सिंह वाला, इत्थे इक कांग्रेसी MLA दी फैक्ट्री लगी हुई आ पराली वाली, उह तो बिजली बणाउंदा। उहदी अणगहिली दे नाल इत्थे कोई गली पराली साड़दे हुंदे सी, वो इन्होंने साड़ी सूड़ी तो वो तो पासे अग लग गई। हुण इत्थे 35 किल्लिआं च कोई घट्टो घट्ट पराली पई आ, वह सारी पराली अग लग गई है। इन्हें तो पराली का इंश्योरेंस इन्हों रुपया रुपया मिल जाना। तो साडियां कणकां का कोई वाली वारस नहीं मिलता। इतने इतने तहसीलदार साहब आए, उन्होंने असं आख्या भी कोई प्रबंध करो। वो आते फलाने। घटना हुकूमत सिंह वाला फिरोजपुर की है जिथे एक बिजली प्लांट के बने 18 एकड़ पराली नूं अग लग गई है। तो 18 एकड़ पराली तो बिजली तैयार हुंदी सी। तां पिंड वालियां दी गलबात सुनी है कि किवें पिंड वाले उत्थे अग ते काबू पा रहे ने, किवें बेवस हो के बैठे ने। तो फायर ब्रिगेड दीआं गड्डियां भी उत्थे पहुंचियां ने ते अग ते काबू पा रहीआं ने। तो बहुत कह लईए कि 18 एकड़ जिहड़ी पराली आ उहनूं अग लगी है। तो बहुत भयानक अग है जिहनूं पिंड दे वासी ते जिहड़े होर जिले दीआं फायर ब्रिगेड दे दमकल विभाग दे जिहड़े कार्यकार अफसर वो पहुँचे ने, अग ते काबू पा रहे ने। तो लगातार तुसीं देख रहे हो किवें अग ने उत्थे अपना फुटकम बचाया होया। तो अगे सुनो की कहिंदे ने। भाई जी, असीं दसना चाहुंदे आ वी साडा पिंड हकूम सिंह वाला, इत्थे इक कांग्रेसी MLA दी फैक्ट्री लगी हुई आ पराली वाली, उह तो बिजली बणाउंदा। उहदी अणगहिली दे नाल इत्थे कोई गली पराली साड़दे हुंदे सी, वह इन्होंने साड़ी सूड़ी तो वह तो पासे अग लग गई है। हुण इत्थे 35 किल्लिआं च कोई घट्टो घट्ट पराली पई आ, वह सारी पराली अग लग गई है। इन्हें तो पराली का इंश्योरेंस इन्हों रुपया रुपया मिल जाना। तो साडियां कणकां का कोई वाली वारस नहीं मिलता। इतने इतने तहसीलदार साहब आए, उन्होंने असं आख्या भी कोई प्रबंध करो। वह आते फलाने फोन किया, दूजे फोन किया, कोई साड़ी इतने सुनवाई नहीं। अग लगी हो गई घट्टो घट्ट भी कोई 3 घंटे हो चले आ। तो हजे तक सरकारी एंबूलेंस एक आई है फायर ब्रिगेड,
ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਧੂਆਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੱਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ ਆ ਬੈਠੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਚਾਰ ਚਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ MLA ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਈ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ
ਰਵਿੰਦਰ ਆਮਲੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਵਾਤੀ ਆ। ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਅੱਗ ਜੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਆਮਲੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਵਾਤੀ ਆ। ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਅੱਗ ਜੀ। Thank you.
ਰਵਿੰਦਰ ਆਮਲੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਵਾਤੀ ਆ। ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਅੱਗ ਜੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਆਮਲੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਵਾਤੀ ਆ। ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਅੱਗ ਜੀ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਆਮਲੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਅੱਗ ਜੀ।